नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना में आरोपी संजय रॉय के अलावा एक और नाम जो चर्चा में है वो है इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का। संदीप घोष पर ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगे हैं। लोग उन्हें माफिया बुलाते हैं और उनका रौब इतना है कि कई बार अपना ट्रांसफर तक भी रुकवा चुके हैं। इसके साथ ही पड़ोसियों ने भी उन पर आरोप लगाया है कि वो अक्सर अपनी पत्नी को पीटा करते थे। अब जरा इसे सुनिए। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि संदीप घोष का नाम पहली बार विवादों में आया हो, इससे पहले भी कई बार वो विवादों में घिर चुके हैं। संदीप घोष के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्हें हटाने के लिए एक सरकारी आदेश को महज 48 घंटे के भीतर ही रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष लावारिस शवों की अवैध रूप से तस्करी करते थे और उनका कारोबार करते थे। इसके साथ ही वो डेड बॉडी भी बेचते थे। वो मेडिकल कॉलेज परिसर में एक रैकेट चलाते थे और उस रैकेट में कई स्टूडेंट्स भी शामिल थे। संदीप घोष पर अस्पताल के बायोमेडिकल अपशिष्ट की तस्करी का बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि वो बायोमेडिकल अपशिष्ट की बांग्लादेश तस्करी करते थे। हालांकि सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच NRS में बायोमेडिकल कचरे की मात्रा 1,53,650 किलोग्राम थी, जबकि आरजीकर में बायोमेडिकल कचरा केवल 49,044 किलोग्राम है। आरोप लगे हैं कि उन्होंने बायोमेडिकल कचरा को लेकर भी बड़ा घोटाला किया। कहा यह भी जा रहा है कि संदीप घोष ने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की लैब में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के आवंटित फंड में घोटाला किया है। दरअसल यूजी स्किल लैब की बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक विशेष संस्था को 2,97,36,000 रुपए का लोन मिला था। डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में इसी लैब इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की लागत 61,47,294 रुपए है। इसमें भी संदीप घोष की ओर से धांधली की गई है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान मशीनों की खरीदारी में भी संदीप घोष पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। ऊंची कीमत पर ऑक्सीजनेशन मशीनों की खरीद की गई थी। कोविड के दौरान निजी स्वास्थ्य क्षेत्र से हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजनेशन मशीनें भी ऊंची कीमत पर खरीदी गई। सरकार के करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल किया गया और सरकारी फंड में चूना लगाया गया। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।